हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट मोल्ड। आज हम देखेंगे कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या थ्रेडेड पार्ट, और उसके साथ ये भी देख लेते कोलेप्सिबल कोर का, क्योंकि कोलेप्सिबल कोर का एक मेथड है जो थ्रेड को, जो थ्रेड का रहता है पार्ट, वो इजेक्शन मतलब रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है, और एक मेथड है अनस्क्रूइंग मोड का। आज हम देखेंगे कोलेप्सिबल कोर का डिजाइन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहले हम लोग कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद ही कोलैप्सिबल कोर का डिजाइन कर लेते। पार्टिंग लाइन सेलेक्ट करना है, मेरे को ये पार्टिंग लाइन चाहिए, और ड्राफ्ट एनालिसिस। ओके, अभी इसमें ड्राफ्ट एनालिसिस का ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, सीधा कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन कर लेते। द ड्राफ्ट डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसमें एक एरर आ रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पार्टिंग लाइन डेटम प्लेन लेना पड़ेगा। उससे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद प्लेन ले लेता हूँ, और ये मेरा पार्टिंग लाइन है, और इसका डिस्टेंस होगा 0, ठीक है। उसके बाद गो टू मोल्ड टूल्स, कटिंग लाइन, सेलेक्ट दिस लाइन। ओके, इसके बाद ड्राफ्ट एनालिसिस, ठीक है, और कटिंग लाइन को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ ये मेरा कटिंग लाइन है। ओके, इसके बाद ओके, इसके बाद कटिंग सरफेस, पार्टिंग सरफेस को स्मूथ रखिए, डिस्टेंस रख देते 20, उसके बाद हम कर लेते टूलिंग स्प्लिट, सेलेक्ट दिस सरफेस, स्प्लिट सेलेक्ट सरफेस, और एक स्केच ड्रा कीजिए, और ये स्केच शुड भी इसके अंदर होना चाहिए, अगर स्केच इसके बाहर होगा तो स्केच इसके अंदर होना चाहिए, अगर इसके बाहर होगा तो ये कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केच को अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद ओके, देखिए कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन हो गया। आपको कितना चाहिए कोर का और कैविटी का थिकनेस, आप ले सकते हैं इधर 30 mm थिकनेस, और ये कैविटी का 30। ओके, उसके बाद मूव कर लेते कोर कैविटी को, डायरेक्शन ओके, ये पार्टिंग सरफेस है, इसको हम डिलीट कर लेते, हाइडिंग कर लेते, ठीक है। ये बन गया कोर, ये बन गया कैविटी, हमें इसको हाइड कर लेते। आफ्टर दिस, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अंदर का इंसर्ट है इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, इसके लिए क्या कर, इसके बाद ठीक है, इसको ये है ना, इसको कोलैप्सिबल कोर बना देंगे, और ये बन जाएगा स्ट्रिपर, ये स्ट्रिपर ब्लेड पार्ट को इजेक्ट करने के लिए। ओके, ये कोलैप्सिबल कोर, ये थ्रेड को रिलीज करने के लिए। ओके,
उसके लिए कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, कोर, और क्लिक हियर, ड्राई स्केच, देन कन्वर्ट एंटिटीज, देन ओके। ठीक है, ये सेपरेट इंटरसेट बन गया। इससे आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए पार्ट है, पार्ट है, यहाँ से ऐसा इजेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद उसको ड्राफ्ट एंगल देना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा इसको, ले लेंगे 40 mm। ठीक है, ये जो एंगल है आप ले सकते हो 3 to 5 degree। ओके, मैंने लिया था 4 degree, कोई बात नहीं। अब हम कर लेते को इसको कलेक्शनबल कोर डिजाइन। ओके, उससे पहले आप स्केच कर लेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, और ये मेक इट फॉर कंस्ट्रक्शन, then offset area this one 3 mm। ये जो हिडन लाइन दिख रहा है ना, ये टॉप व्यू का, ये टॉप का है, ये जो लाइन है ना यहाँ से आना चाहिए, ये टॉप से आना चाहिए। एक बार दिखाते हैं, ठीक है, ये लाइन इधर ही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसको ट्रिम कर लेंगे। इसको स्प्लिट कर लेते हैं अभी। स्प्लिट, देन सेलेक्ट दिस स्केच, कट बॉडीज 1, 2, 3। ओके, देखिए बन गया इधर इसका
अलग अलग पार्ट बन गया, ठीक है। इसके बाद बस इतना ही से पार्ट रिलीज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मूवमेंट होने के बाद भी थ्रेड जो रहता है इसमें रहता है, ठीक है, वो क्या करेगा, अगर तीनों कोर तीनों पीस मूवमेंट हो गए तो रिलीज नहीं होगा, ये थ्रेड से भी रिलीज होना मांगता है, नहीं तो ये थ्रेड ड्रैगिंग होता है। ड्रैगिंग मतलब ये डैमेज हो जाएगा, इसके लिए हमें भी ये साइड का ये मूवमेंट में मतलब पीस में लेना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको आइसोलेट करेंगे, फिर से इसको स्केच डालना पड़ेगा, मेक इट फॉर कंस्ट्रक्शन। After this, offset this area. Same method for this also. 3 mm leading. Three to five mm length. To four. उसके बाद एक सर्कल कीजिए इधर। इसके लिए करना पड़ता है क्लोज लूप होना चाहिए ये ट्रिम होने के लिए, इसके लिए मैं सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ट्रिम करने के लिए। ओके, ये बन गया ट्रिम। देन गो टू स्प्लिट, सेलेक्ट दिस स्केच, देन कट बॉडीज, एक दो, ओके, ये हो गया, ये अलग तीन पीस में, ठीक है, टोटल छह पीस हो गया। उसमें से अब सारा पीस को शो कर लेते, देखिए इस तरह कोलैप्सिबल कोर का डिजाइन किया जाता है। और एक और चीज आपको बताऊंगा मैं, ये जो पीसेस है इनको डिग्री देना पड़ेगा। डिग्री कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये जो अंडरकट है मान लीजिए थ्रेड का डीप है 1 mm, ओके, और इसका हाइट, ठीक है, जो इसका हाइट अभी मैंने इसको लिया था 16 mm हाइट और 1 mm थ्रेड का डीप है, 1/16 कीजिए, बाद में tan inverse कीजिए, ठीक है, वो डिग्री जो आएगा वो डिग्री पे हम लोग ये ले सकते हैं, आराम से पार्ट रिलीज होगा। ओके, बट एक सेफ्टी फैक्टर क्या है इसमें, अगर ये 1 mm है तो हमको लेना पड़ता है 1.5, मतलब 0.5 सेफ्टी में लेना पड़ेगा, ओके, तभी वो फुल स्ट्रोक में पार्ट पार्ट ऑटोमेटिकली मोल्ड से सॉरी कोर से गिर जाए, ठीक है, पूरा रिलीज होकर गिरेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस पे हमें ड्राफ्ट देना पड़ेगा सबसे पहले,
कैविटी लाइन। फुल डायरेक्शन 3 to 4 degree, उसका कैलकुलेशन देख लेते पहले। और थ्रेड कट अंडर कट का डीप था 1 mm, मैं ले लेता हूँ 1.5 डिवाइडेड बाई कि आपका हाइट 16 mm कितना आया 0.0937। ओके टैन इनवर्स 5 degree आया, 5.35 degree आया। हाँ इसको ले सकते हैं हम लोग आराम से 6 degree। इस तरह ये डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये पार्ट को इजेक्शन कैसा किया जाता है, इसका मैकेनिज्म, ये जो मूवमेंट होता है ये फिक्स रहेगा मेन कोर, और ये स्लाइडिंग होता है ऐसा चारों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंच है ना, वो मूवमेंट कोलैप्सिबल सिमल्टेनियसली मूवमेंट होते हैं। बाद में थ्रेड को रिलीज किया जाता है और स्टिपर प्लेट से इंजेक्शन किया जाता है। ओके ठीक है, ये स्टिपर प्लेट है, ठीक है। पहले ये 5, 6 और जो है ना साइड में ये कोलैप्स हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसा। बाद में ये स्टिपर इंजेक्शन किया जाता है पार्ट को। ओके वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ड्राफ्ट, और यहाँ पे ड्राफ्ट देना पड़ता है, इसको ड्राफ्ट देना है और टी स्लॉट मारना है गाइडिंग के लिए, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।